नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा ले देखिनो बा कोन रहिछ वर्तमान रो हेडलाइंस। गांधी मूर्ति तले बीजेपी विधायकों को धारणा जारी, विरोधी को अभियोग गणतंत्र को हत्या करिछंती वाचस्पति, गृह रे कहबा को सुजोग दिया जाउ नाही, ट्वीट करी बरसिले प्रदीप्त नायक। देश में बढ़ुछि संक्रमण, गत 24 घंटा रे 92,938 पॉजिटिव चिन्हट, मोट आक्रांतों संख्या 12,04,423 को वृद्धि, महाराष्ट्र में सबुठ स्थिति संगीन। राज्य में बिगड़ुछि कोरोना स्थिति, एवं दैनिक 400 पार रहुछि संक्रमण, सीमावर्ती जिला बढ़ाई अधिक चिंता, 10 जिले आसंता कालीठू नाइट कर्फ्यू, झारसुगुड़ा को फेरला कंटेनमेंट। विवाह भोजी बेले गोष्ठी संघर्ष, जड़े मृत जड़े गुरुतर, बलांगीर पुट केलचुआ गांव में अभावनीय घटना, लाठोर पुलिस तदंत जारी। भारसमी हर गछरे पिटीला पिकअप, मयूरभंज ठाकुरमुंडा करंजिया रास्त मर्मतुद दुर्घटना, ड्राइवर मृत हेल्पर गुरुतर, सेपटे केउछरे हाइवा धक्कारे युवक गुरुतर। ठक 420 विदेश में चाकरी कराई देवा नारे 8,50,000 टंकार महा ठके, ब्रह्मपुर में 2 वर्ष होला कारबा चलाइथला संजय, भुवनेश्वर ठक को गिरफ्त कला बड़बजार पुलिस। एवं आज भक्तों पर जगा दर्शन बंद, प्रति सप्ताह रविवार बंद रहिबो श्रीमंदिर, कोरोना संक्रमण बढ़ुथिबारु एवं सानिटाइजेशन, अन्य दिन सका 6 महाप्रभु दर्शन करिपारिबे श्रद्धालु। बुलेटिन आरंभ करिबा सही चर्चित खबर, विधानसभा परिसर में गांधी मूर्ति तले बीजेपी विधायकों अहोरात्र धारणा, गतकालीठू धारणारे बसी रहिछंती विधायक, विरोधी अभियोग अनुसार गणतंत्र को हत्या करिछंती वाचस्पति, विरोधी दल नेता गृह से कहवा को सुजोग मिलुनथिबा अभियोग आनी बीजेपी विधायक, गतकाली गृह से वाचस्पति पोडियम को विरोधी चप्पल सह माइक और पेपर फिंगिथिबा अभियोग होइथिला। विधानसभा रे एभली अप्रीतिकर परिस्थिति परे सस्पेंड होइथिले बीजेपी रो 3 विधायक। काली जो घटना घटिला, वाचस्पति जेभरी भावे अगणतांत्रिक पद्धति रे विधानसभा रो समस्त संवैधानिक नीति नियम को जलांजलि दे विरोधी दल रो सदस्य मानकर विरोधी दल रो जो अधिकार लोक मानकर कथा को लेकर विधानसभा रे उठेबा एवं मूलतवी प्रस्ताव को वाचस्पति बातिल करदे कौन सी कारण थी एवं बिल जो परिस्थिति रे से जबरदस्ती आणिले जो थे कि गृहर गृह से समय रे वेल रे समस्त विरोधी दल सदस्य मैंने परिप्रेक्षी में जबरदस्ती बिल को पास कर ये गोटे अगणतांत्रिक एवं विरोधी दल नेता बारंबार चाहूल से कहवापी मुप हिसाब से कहवाप चाहूली अनेक सदस्य चाहूले आम को संपूर्ण भाव से कहार सुजोग देना एवं जबरदस्ती आम जो वेल आम जो पार्टी कलु विक्षोभ प्रदर्शन करूँ से समय आमको सस्पेंड कर देती अगणतांत्रिक कौन सी अनैतिक काम करना कौन सी एभली कम करना जो कि मत सस्पेंड करेंगे ये सब जाणी शुणी करणु से भूल करन्याय करजे जो विरोधी दल विरोध में एवं निरपेक्षता अवलम्बन करना वाचस्पति से आम आम गांधी मूर्ति प्रांगण में आम एटी गत 13 घंटा धरिकी राति सारा आम ये खोला आकाश तले धारणा बसीचु एवं आमर दाबी हो वाचस्पति ये जो अन्याय कर ये जो अगणतांत्रिक पद्धति विधानसभा को चलेले सरकार को समर्थन करी गोटे पक्षर रखिले आमर पक्ष रखिले ना आम पक्ष रखापी चाहूँ जे आम को कहीं सस्पेंड करा जीवो कहीं सस्पेंड आम करा जीवो एवं आम से जो अन्याय आमपाई करा जाऊँगी तार प्रतिवाद करियापाई तहार कथा रखापी जो आम चाहूँ आमको से सुजोग दे सरकारी विधायक मान सहित तो एकतरफा भाव में से आलोचना करपत्ति नहीं जपर्यंत आम आम न्याय नपाइंतु नपाइु जपर्यंत गणतंत्र सुरक्षा न मिली से पर्यंत आमर ये धारणा जारी रहिबो। सेबड़े ट्वीट करी वर्षिछंती विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक, से ट्वीट करी कहिछंती वाचस्पति गृह परिचालन रे संपूर्ण पक्षपातिता करुछंती, विधानसभा रे कोनोसी बिल पास करबा बेले विरोधी को कहबा को दिया जीव नाही, एहा वाचस्पति को किपरि भाबे निरपेक्षता, गणतंत्र रे विरोधी को पक्ष रखबा को सुजोग दिया नजिबा एक विलक्षण,
बाचस्पति शासन विजु जनता दल कर्मी भली जदि गृह आचरण करे आमर विरोध जारी रहिब। विधानसभा हेउछि गणतंत्रर पवित्र गृह हेले बाचस्पति जेउं भली शासन शासक दलर कर्मी भली आचरण करुछन्ते एहा गृहर पवित्रता को नष्ट करुछे। बाचस्पति संविधान नीति नियमर उपरे नुहन्ते आमको कहिबाको दियागला नाही सेथिपाई आमे प्रतिवाद करिलु। या परे आमर विधायक मानको निलंबन करी बाचस्पति आमको डराइबा पाई प्रयास करिवे एहा निंदनीय। सारा राति आमे गांधी मूर्ति तळे धारणा देई प्रतिवाद कलु। गृह बाहरे आमर प्रतिवाद जारी रहिबो। आज दलय कार्यालय रे आमे सांबादिक सम्मेलन रे आमर कथा रखिबु बोली कहिसेंती प्रदीप्त नायक। तेबे प्रसंग रे कांग्रेस नेता नरसिंह मिश्र कौन प्रतिक्रिया रखछन्ते आसु नजब केना आइस्तिली विधानसभा को अन्य काम रे आइस्तिली टेस्ट पै मिस्तिली देखिली बंधु माने वर्तमान से धारणा दैछन्ती सौजन्यमूलक साक्षात आवश्यक तक संगे आलोचना करी कौन कथा विरोध दल नेता रात खाली खोला आकाश तले बसिले विधानसभा के बंद हम औपचारिक मीटिंग होना बसी किए कथा हो बंद हो गले भल ना भल यार मान कि से भाया मीटिंग निष्पत्ति दिया सर विरोधी दल नेता खाली खोला आकाश तले पूरा बसिक रे विधानसभा जो गरिमा दृष्टि विरोधी दल नेता गोटे बड़ मान्यता थे आप विरोधी दल नेता थे से दृष्टिकोण कल से खोला आकाश तले पूरा विधानसभा बाहर बस ले कह कथा पूरा राति बस ले कहीं थर देखा करने आसिले ना सौजन्य दृष्टि मो हिसाब से तो आसवा कथा आमर जहाँ मतभेद था जहाँ था प्रतिवाद स्वर तो गणतंत्र आवश्यक जड़क मत सांगे आम सहमत हो पारू कि सौजन्यता अलग जिन तेनाली कौन बाचस्पति आई आज रविवार भक्तों पर श्रीमंदिर बंद। राज्य में कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी प्रति सप्ताह रविवार बंद रीमंदिर इस समय श्रीमंदिर बाहर और भितर विशोधन सप्ताह दुई थर राति मंदिर बंद पर सानिटाइज कर रविवार व्यतीत अन्य दिन सका छु महाप्रभु दर्शन करें भक्त श्रीमंदिर राज्य सरकार कोविड गाइडलाइन को कड़ाकड़ी भाव पालन मास्क और सानिटाइज बाध्यतामूलक तबे संपर्क में आलोचना सदाशोक पुरी आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष जोड़ी होती आलोक किसी समय पूर्व आम चित्र देखुल खाँ खाँ रही श्रीमंदिर जो भक्त मैंने आसुंच दूर महाप्रभु को दर्शन करे वर्तमान ताजा चित्र कौन देखा चाहिए निवेदिता वर्तमान श्रीमंदिर भितर को संपूर्ण रूपे सानिटाइज करा किंतु श्रीमंदिर बाहर सिंहद्वार बाहर अर्थात जो बैरिकेडिंग अच्छी ताकू वर्तमान सानिटाइज प्रक्रिया आरंभ होने और किसी समय पर आरंभ हो आपड़ जानते प्रत्येक रविवार जो मैंने चाकरी करकरी छुट्टी नापर जेहेतु रविवार छुट्टी रही है सरकारी छुट्टी रही है समस्ते धाई आसता श्रीक्षेत्र को महाप्रभु को रत्न सिंहासन दर्शन कर सानिध्य नहीं था से ही परिप्रेक्षी रविवार दिन आम प्रत्येक रविवार आपको देखीचु हजार हजार लक्ष लक्ष भक्त श्रद्धा भिड़ जमी था जहाँफल करोना संक्रमण जथेष्ट वृद्धि पाइबार आशंका थाए से ही परिप्रेक्षी में छत्तीस निजोग बैठक में निष्पत्ति निगला आज आज ठार अर्थात आज जो रविवार आज रविवार श्रीमंदिर बंद रोचे और चलित मस प्रत्येक रविवार श्रीमंदिर बंद रे आम आपण सिंहद्वार सम्मुखर स्थित देखिले बर्तमान आम अच्छे पतित पावन सम्मुखें अर्थात सिंहद्वार बारिकेड सम्मुख अच्छे आप देखुं ये जिते भक्त श्रद्धा मैंने अच्छा समस्ते सीधा साल पतित पावन को दर्शन कर आखिर दीटपा लुह बहुत जेहेतु रविवार श्रीमंदिर बंद रही है समस्त इच्छा थाए श्री महाप्रभु को श्रीमंदिर दर्शन कले कोटि जन्मर पुण्यफल मिलता है प्रतिक्रिया ना आपड़ कौटू आसते रविवार जेहतु श्रीमंदिर बंद रही आप आगुआ अवगत थे ना आज आप जानूं मंदिर बंद रही मंदिर बंद रही के मन में दुख रही जेहतु महाप्रभु को दर्शन कर पतित पावन को दर्शन कर मनरे तो दुख रही कि आम का सन्धार दर्शन करदे प्रभु को
तथापि आहुरी टिके दर्शन करिया इच्छा थिला। बड़ कथा होची जेहेतु रविवार अनेक भक्तंकर गहळी चळी रमिदाय छुट्टी दिन मानकर समस्त आसंती ए कोरोना को दृष्टि रखी के वर्तमान श्रीमंदिर प्रशासन जिला प्रशासन निष्पत्ति नैछंती संपूर्ण रूपे रविवार दर्शन बंद रे सानिटाइज करा जे आपन को केते स्वागत करिवे सानिटाइज प्रक्रिया को कारण सानिटाइज प्रक्रिया निहाती हबा आवश्यक रहउची। नहीं भक्त मानकर सुरक्षा दृष्टि रे देखिया गेले सानिटाइज करियाटा सरकारकर जे नैछन पद सेटा तो स्वागत योग्य किंतु भक्त माने एथिबाय टिके असुविधा होचंती दर्शन करिया रु वंचित होचंती। हाँ दर्शन कर निश्चित निवेदिता जहाँ प्रतिक्रिया शुणुते सानिटाइज करने प्रक्रिया को समस्त स्वागत किंतु जेहेतु महाप्रभु को दर्शन कर पार्ना चतुर्था विग्रह को रत्न सिंहासन दर्शन कर पार्ना से मनरे टी अफसोस रही जाए मनरे टी दुख रही जाए कि सानिटाइज प्रक्रिया को निवेदिता समस्त स्वागत कर देखुं पथित पावन को किभ भाव में अनेक संख्यार भक्त श्रद्धा मैंने दर्शन करके सानिध्य प्राप्त होती जेहेतु जहाँ नियम रही प्रत्येक रविवार श्रीमंदिर बंद रहा है आलोचना करा मैडम आप हिंदी हिंदी आज संडे है आज दर्शन बंद है मन में दुख है थोड़ा बहुत दुख है। हम तो गुजरात से आए हैं यहाँ आके कल दर्शन किया हमने लेकिन आज दर्शन नहीं हुआ बहुत दुख है। आज दर्शन नहीं हुआ सैनिटाइज करने के लिए दर्शन व्यवस्था बंद है। सैनिटाइज का व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है होना चाहिए कोरोना के हिसाब से सबके लिए अच्छा है ना ये मंदिर का भगवान का एक दिन सैनिटाइज हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्या कहेंगे आप? मस्ती ना दर्शन काले स्वस्थ आया आज दर्शन नहीं कर पाए आज तो दुख तो है ना तो शांति से दर्शन कर लिया छे। निश्चित निवेदिता शुणुले गुजरात जो भक्त मैंने आसते से प्रतिक्रिया मनरे जदिबा टिके दुख रोचे कि पतित पावन को दर्शन कर दुख बुझाऊ सानिटाइज प्रक्रिया को समस्त स्वागत करहाती भाव में सानिटाइज हाँ दरकार रोचे गोटेपटे श्रीमंदिर भितर तो सानिटाइज चली श्रीमंदिर बाहर आज किसी समय पर सानिटाइज कर निश्चित भाव सामान्य एसओपी कटक सामान्य निवेदिता कोहल कर सका भक्त कौटना कौटी असंतोष तो देखा कि भक्त सुरक्षा दृष्टि एक व्यवस्था करा जाएगी प्रशासन पक्षर जहाँकि स्वागत योग्य मध्य बहुत बहुत धन्यवाद पुरी आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष ए बाबद रे आलोचना करुथिले। बारसमी हर गछरे पिटीला कुकुड़ा बोझे पिकअप भ्यान फल गाड़ी में चापी हो ड्राइवर घटनास्थल में मृत्यु एथसह हेल्पर गुरुतर होती मयूरभंज जिला ठाकुरमुंडा करंजिया रास्तार चाई बाईसी निकट में घटी मर्मतुद दुर्घटना गुरुतर हेल्पर को ठाकुरमुंडा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा निम्ते भर्ती कराया कटक बड़ मेडिका को स्थानातर कर कफिलास कुकुड़ा बोझे कर गाड़ी करंजिया ठाकुरमुंडा आसुला मृत ड्राइवर केउछर अंचल विजय लोहर तेज घटनास्थल में ठाकुरमुंडा थाना पुलिस पहुंची तदंत कर केउझर जिला आनंदपुर चारिनलिया छक निकट में दुर्घटना हाइवा धक्कारी युवक गुरुतर होती गुरुतर आहत युवक मुगुपुर गांवर पुटु जेना चली चली जाता बेले रास्त युवक धक्का देता हाइवा युवक को उद्धार कर आनंदपुर उपखंड चिकित्सालय में भर्ती करते अवस्था गुरुतर होवु कटक स्थानांतर कर पुरीर नागासाधु वैष्णव पुरी को नहीं पुणी चर्चा सोशल मीडिया रे वायरल होता एक चिठी नागा बाबा को चौद्वार थाना लिखि कहुचे चिठी में उल्लेख रही राजनैतिक षड्यंत्र पगल करने उद्यम हो विरोध बढ़िवे लगी नागा बाबा को न्याय पाई सोशल मीडिया रे भी कैंपेन आरंभ हो जड़े आदर्श पुरुष साधु सन्थ भाव फटो उठाई किंतु से मानवाक नाराज मोर लोकप्रियतार ईर्षान्वित तो हुई पागल बोली घोषणा करने राजनैतिक षड्यंत्र शिकार है किंतु भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल सकाशे केवल गणमाध्यम पाखे खबर पहुँचिले मुथाशीघ्र न्याय पाइबि चौद्वार जेल रु नागा साधु चिट्ठी सोशल मीडिया रे वायरल चिट्ठी को नहीं चर्चा कहिले पागल सजाई बड़ षड्यंत्र राजनैतिक षड्यंत्र शिकार होती नागा साधु पुरीर बहु चर्चित नागा साधु वैष्णवपुरी एवं चौदार जेल में भक्तों दर्शन पर रोहिणी कुंडर पटा खोली
ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯିବା ସହ ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଜେଠୀ ବିବାଲ ଆସିଲେ କହିଲେ ତୁ କିଏ ସେ ପଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବାବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କିଷନ କୁମାର। ମୁଁ କିଷନକୁ ମୁଁ କହିଲି କିଷନ କୁମାର ହଉ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହଉ ସେ ଜାଲି ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନ ଛୁଇଁକି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି, ବନ୍ଦ କରିକି କାହିଁକି ରଖିଛ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ମୋତେ ସେଠି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ମୋତେ ଏଇଠି ଧରିକି ଆସିଲେ, ସେଠି ଗାର ଦେଖୁ ସେଇଠୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଆଣିକି ମୋତେ ଏଇଠି ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଗେଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋବାଇଲଟା ନେଇଯାଇଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିର, ସେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ସେ ମୋବାଇଲ ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା। ସେଇଠି ବିଧାନସଭା କମିଟିର ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଲା ଦିନ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲି, ନୋ ପାର୍କିଂ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଇଥିଲା, ଗେଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସଳିତ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ସୁଟିଂ କଲି ବୋଲି ସେ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରାଗରେ ସେ ମୋତେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଏହାପରେ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ। ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବାର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲେ କି ନାଗବାବା। ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ବେଳେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଥିଲେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। କରୋନା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଦାବି, ନାଗବାବାଙ୍କୁ ପାଗଳ ସଜାଇବା ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଜଣେ ସାଧୁ ଜଣେ ସନ୍ଥ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ସପକ୍ଷ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୀ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜେଲରେ ଏବେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଘୋର ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଜେଲ୍ ମିଳୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟାନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ପଟା ଖୋଲିବା କଣ ଏତେ ବଡ ଅପରାଧ, କଣ ଏମିତି କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେ ଏତେ ଦଫା, ନା ଜାଣି ଶୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ବଡ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏନେଇ ପୁରୀରେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, କିଛି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବି ପାଗଲାମି ଟିକେ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ହଠାତ୍ ଦେଇକିରି ଯାଇକିରି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମହଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇ ଦେଇଛି ପୁଲିସ ମାନେ ଜେଠି ମାନେ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, ତାକୁ ନେଇକିରି ଜେଲରେ ପୁରୀ ଜେଲରେ ପୁରିବା, ପୁରୀ ଜେଲରୁ ନେଇକିରି ପୁଣି କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ଚୌଦ୍ୱାର, ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଜିନିଷ, ଠିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତ ଠାକୁର ପାଣି ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିକିରି ସେ କାଠ ପଟାଟିକୁ ଉଠାଇଦେଲେ, କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫିଟିଗଲାଣି। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଡ଼ବଡ଼ ଗହୀର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମରାଗଲା ଦେଉଳ ଭିତରେ ଏବଂ ମାଡ଼ ମରା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଛି, ଜେଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲାଇ କରି ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲାଣି ଯେ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ତାଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲକୁ ପଠାଇଲେ ସେଠୁ ସେ ଯାଇକିରି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଜଣେ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ରକ୍ଷାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନିଲାମ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆପଣ ଦୀପ ଦୋକାନକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୀପ ଦୋକାନ ନିଲାମ ନେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ 20 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ସେ ଦୀପ ଦୋକାନଟା ଦୀପ ବିକିବ 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦୀପ ଦେଇପାରିବ ନା? ସାଧାରଣ ଲୋକ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ 5 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଣି ଛିଞ୍ଚେଇବ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାଗାସେତୁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶାସନ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ନାଗାସେତୁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିକୃତ ମାନସିକରେ ସଜେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାଗବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ଦଫା 200 54 305 6 295 296 298 398 ଓ 30 ଦଫା ସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆକ୍ଟ 1954 ଅନୁଯାୟୀ 4C ଓ 5E। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ, ଏଠି ସରୁଛୁ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର।